हेलो फ्रेंड, टीचर प्रशांत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब से जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो होगी फेसबुक पे, कि हम फेसबुक पर किस तरीके से SEO कर अपना एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हम वहां से भी अपनी अर्निंग चालू कर सकें। वैसे तो सब कुछ बताना फेसबुक SEO एक वीडियो में इम्पॉसिबल है, सो इसीलिए इसके भी मल्टीपल डिवाइडेड पार्ट्स आएंगे। सो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ उस पर है कि हाउ टू क्रिएट बिजनेस पेज, कि हम अपना बिजनेस पेज कैसे बनाएं। वैसे तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, लेकिन जो थ्योरी है जो मैंने इनके पार्ट्स बनाए हैं उसके लिए ये वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगी, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो अपना फेसबुक ओपन करना है, देन उसके बाद आपको राइट साइड पे यहाँ पे कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले रखेंगे पेज का नाम। सो पेज का नाम हमेशा अपने कीवर्ड से रिलेटेड एंड यूनिक रखिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल है बर्गर किंग, क्योंकि बर्गर किंग एक बर्गर अपने आप में एक कीवर्ड है अच्छा खासा, जो पूरे वर्ल्ड वाइड हमेशा सर्च किया जाता है, एंड किंग उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया। बर्गर किंग एक यूनिक नाम भी आ गया एंड कीवर्ड भी आ गया। सो आप भी अपने पेज के लिए कुछ ऐसा यूनिक नेम क्रिएट करिए जो कीवर्ड से रिलेटेड भी हो एंड आपके पर्सनैलिटी आपके ब्रांड को शो भी करता हो। मेरा तो वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैंने अपना एक ऑलरेडी पेज क्रिएट कर रखा है डिजिटल प्रशांत। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे डिजिटल प्रशांत फिर से बनाऊंगा। डिजिटल प्रशांत, अब कर रखते हैं कैटेगरी। मेरा कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग से है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एंड आप इसमें अपने और भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल क्रिएटर समथिंग लाइक दैट। आप अपने नीश रिलेटेड यहाँ पे ऐड करते रहिए कीवर्ड्स। एंड अब नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है, इसमें आप अपने कीवर्ड्स ज़रूर ऐड करिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग कीवर्ड लिया है। वैसे अगर आपको कीवर्ड सर्च करने में कुछ प्रॉब्लम हो कि हम कीवर्ड कैसे सर्च करें, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च हमेशा गूगल कीवर्ड प्लानर से करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम हमेशा गूगल पे ही सर्च करते हैं। अगर गूगल सर्चेस में अपना ब्रांड या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी अगर रैंक करता है, वहाँ से भी हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करता है, ब्रांडिंग होती है एंड सबसे ज़रूरी बात अर्निंग होती है। अब करते हैं क्रिएट पेज। नाम में कुछ प्रॉब्लम है, वैसे मैंने डिजिटल प्रशांत से ऑलरेडी ही क्रिएट कर रखा है, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, जैसे 1, 2, 3। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप अपने ब्रांड का नाम एक अच्छा खासा कीवर्ड से रिलेटेड एंड यूनिक जरूर चुनिए। एंड अब क्रिएट पेज करके देखते हैं। ये क्रिएट हो चुका है एंड क्रिएट होने के बाद इसमें हम बाकी चीजें भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल फोटो। जाहिर सी बात है, प्रोफाइल फोटो में आप अपना लोगो ही लगाएंगे। यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हैं। वैसे मैं फिलहाल अपनी फोटो ही लगा देता हूँ इसमें। एंड कवर फोटो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना, आपको अपने नीश से रिलेटेड एंड अच्छे से क्रिएट करके लगाना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सिर्फ ऐसे लगा रहा हूँ। ओके, ड्रैग पोजीशन ये लग गया एंड सेव। ये क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे आप अपना फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज आपका बिजनेस कपड़ों से रिलेटेड है, कि आप अपने ऑनलाइन कपड़े सेल करते हैं, यहाँ पे आप अपना अगर व्हाट्सएप नंबर लिंक कर देंगे, आपके बिजनेस पेज से कोई भी आपसे व्हाट्सएप से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप नंबर डालें या फिर आपको कोई अलग बिजनेस है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अलग चीज़ डालें।
सो अभी मैं इसमें नंबर ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। सो इसको मैं कट करता हूँ, लीव। सो ये क्रिएट हो चुका है पेज। अब चलते हैं यहाँ पे, एक सेटिंग और है अबाउट अस, सॉरी। ये वाला सेक्शन कि इसको हमें पूरा भरना है अबाउट, तो सबसे पहले तो एडिट पेज इन्फो, यूजर नेम। यूजर नेम मतलब एक अपना यूआरएल जनरेट होता है जो कि गूगल की नज़रों में काफ़ी अच्छा होता है अगर हमारा यूआरएल काफ़ी अच्छा है। जैसे कि इस समय आपको दिख रहा होगा कि डिजिटल प्रशांत 123 एंड बाकी सारे नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर ये नंबर हट जाए, सिर्फ इतना ही यूआरएल रहे जो कि मेरे पेज का ओरिजिनल नाम है। सो इससे क्या होता है कि गूगल की नज़रों में भी अपनी ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी रहती है एंड रैंकिंग के चांसेस भी हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जो यूज़र नेम है यही एज इट इज़ फिल कर देंगे, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे टिक आ चुका है मतलब ये अवेलेबल है। कैटेगरी एंड ये हो चुका, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर भरनी है क्योंकि आप जितनी इसमें इंफॉर्मेशन भर के रखेंगे मतलब अपने बारे में लोगों को बता के रखेंगे उतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड उतना ही गूगल की नज़रों में भी अच्छा रहता है। सो यहाँ पे मैं अभी ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट फिल कर देता हूँ, फिल कर दिया है मैंने एंड यहाँ पे आ रहा है माई पेज डजेंट हैव ईमेल एड्रेस, माई पेज डजेंट हैव अ वेबसाइट। मतलब इसका मतलब साफ है कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो ब्रांड है, उसको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या फिर वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है या फिर है। सो आप इसे यहाँ पे ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप इसे फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, एंड ये इंफॉर्मेशन आपके लिए फिल करना ज़रूरी है तो कर दीजिए, नहीं है तो माई पेज डजेंट हैव एन ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट। नाउ लोकेशन, एड्रेस, एड्रेस तो आप ज़रूर फिल करें, या बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसमें पूरा फिल कर लीजिएगा। एंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आवर्स, सो आवर्स में क्या है कि आपका कोई बिजनेस है एंड आप दिन भर में कितने से कितने घंटे उसे ओपन रखते हैं एंड कब उसे क्लोज रखते हैं। सो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ऑलवेज ओपन है, परमानेंटली क्लोज है, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम है और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सो मैं ऑलवेज ओपन ही रखता हूँ। सो प्राइवेसी पॉलिसी एंड ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके कोई बिजनेस रिलेटेड है, जैसे कि हम मैं फिर से कपड़ों का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपका कोई कपड़ा 10 डेज में रिप्लेसमेंट की भी वो है कि आप उसे रिप्लेस कर देंगे या फिर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सो यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोडक्ट, इन सबों में फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप प्राइस रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, करेंसी, अदर अकाउंट, समथिंग लाइक दैट। इंस्टाग्राम, यहाँ से आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विच, व्हाट्सएप, लाइन, इतने सारे यहाँ पे सोशल मीडिया के ऑप्शन है, आप इन सबों से भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अदर अकाउंट का यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हैं, फिर नेम डाल सकते हैं, वैसे यूआरएल नहीं आएगा यहाँ पे, नाम ही आएगा। सो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट ये सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है एंड चैनल सेटिंग में जो यूज़र नेम था इसको हम फिर से फिल कर लेते हैं, कॉपी। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इनके बीच आपको स्पेस नहीं रखना है। अभी आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट अ यूज़र नेम, सो अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ ये क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ, एंड ये मेरी फेसबुक अकाउंट है एंड आप, ये रहा मेरा डिजिटल प्रशांत का ओरिजिनल पेज, सो इस पर क्लिक करते हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल प्रशांत 74 शो हो रहा है। सो 74 मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि डिजिटल प्रशांत से ऑलरेडी ही किसी ने नाम ले लिया था, सो इसलिए मैंने दो नंबर ऐड कर दिए 74, जिससे कि मेरा एक खुद का यूआरएल जनरेट हो सके। अब मैं ये अगर यूआरएल इनकॉग्निटो मोड, पेस्ट, एंटर,
सो ये मेरा सीधा अकाउंट ही ओपन होता है एंड डिजिटल प्रशांत उसमें ब्रांडिंग भी शो होती है। एंड ये एग्जाम्पल था, सॉरी। सो ये रहा पेज जो अभी हमने क्रिएट किया था। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिर्फ काफ़ी बेसिक से सेटिंग्स बताई अबाउट अस के बारे में, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो होगी एडवांस सेटिंग्स पे, कि हम एडवांस लेवल पे जाके सेटिंग्स करेंगे एंड जानेंगे कौन सी सेटिंग किस तरीके का वर्क करती है। सो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो भी जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई क्वारीज है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में पूछिए। और मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।